शांति। आज 13 अप्रैल 2022 की बाबा की साकार मुरली है। मुरली के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है, श्रेष्ठाचारी देवता बनने और बनाने की सेवा करने हैं। प्रश्न है, राजय के वर्षे का अधिकार किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो बाप के समीप संबंध में आते हैं, अपने चलन और आमदनी का पूरा पूरा समाचार बाप को देते हैं। ऐसे मातेले बच्चे ही राजाई के वर्षे का अधिकार प्राप्त करते हैं। जो बाप के आगे आते ही नहीं, अपना समाचार सुनाते ही नहीं, उन्हें राजाई का वर्षा मिल नहीं सकता। वह है सोतेले बच्चे। बाबा कहते, बच्चे अपना पूरा पूरा समाचार दो। तो बाबा समझे यह क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा बच्चों को हर हालत में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ कराते हैं। गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ओम शांति। बच्चे जानते हैं परमपिता परमात्मा शिव से हमारा क्या संबंध है। परमपिता तो कहते ही हैं, पतित पावन अक्षर भी डाल दो। दिल में है कि पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव से हमारा संबंध बाप का है। बाप कहते हैं, मैं बच्चों के सामने प्रत्यक्ष होता हूँ। बाप बच्चों से ही रूह रिहान करते हैं, मिलते जुलते हैं। जो बात समझाई जाती है वह फिर औरों को समझानी है। अभी तुम जगत अम्बा और जगत पिता को भी जानते हो। शिव को जगत पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि जगत में प्रजा है। इसलिए कहा जाता है प्रजा पिता ब्रह्मा और जगत अम्बा। अम्बा सारे जगत की, इससे सिद्ध हुआ वह रचयिता है। यह भी समझ चाहिए, मनुष्य तो सब परमात्मा को याद करते हैं परंतु जानते नहीं। तुम अब परमपिता परमात्मा को, जगत अम्बा को, प्रजापिता ब्रह्मा को जानते हो, उनकी आये संतान बने हो। लौकिक माँ बाप तो सबको है, उनको जगत अम्बा जगत पिता नहीं कहेंगे। जगत अम्बा जगत पिता होकर गए हैं। इस समय फिर तुम आकर उनके बने हो। फिर से हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। तुम जानते हो हम अब बाप से वर्षा ले रहे हैं। बाप है स्वर्ग स्थापन करने वाला, जिसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तुमको भी बादशाही मिली थी, अब फिर से तुम ले रहे हो। तो तुमको पूछना चाहिए परमपिता परमात्मा को जानते हो। यह बात ऐसी है जो समझते हुए भी भूल जाते हैं। अपने आप को भूल, मात पिता को भूल, वर्षा गवा देते हैं। यह है ही युद्ध स्थल। तुम इस समय माया पर जीत पाने के लिए युद्ध के मैदान पर खड़े हो। जब तक अंत न आए तो लड़ाई चलती रहेगी। उस लड़ाई वाले भी जानते हैं, अगर हम चाहें तो सेकेंड में सबको उड़ा दें। अभी तो एक दो को हथियार देते रहते हैं, कर्जा देते रहते हैं। अगर कोई मार दे तो कर्जा खत्म हो जाएगा। बाबा भी अखबार पढ़ते हैं, बच्चों को भी अखबार पढ़कर उससे सर्विस करनी चाहिए। बाबा से पूछना चाहिए, बाबा आप तो मालिक हो, फिर रेडियो क्यों सुनते हो? अब बच्चे मालिक तो शिव बाबा हैं, हमको कैसे पता पड़े कि वायुमंडल क्या है, कहाँ तक लड़ाई आदि के आसार हैं? इस समय गपोड़े तो बहुत मारते हैं, समाचार कमेटियां आदि बनाते हैं, उनको लिखना चाहिए। यह दुनिया ही भ्रष्टाचारी है, सदाचारी कोई कैसे हो सकता है? भ्रष्टाचारी विकारी को कहा जाता है। यह बातें तुम बच्चे ही जानते हो, बच्चों में भी नंबर वार हैं। तुम सबसे पूछो कि परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। जैसे क्रिश्चियन जानते हैं क्राइस्ट ने फलाने समय पर जन्म लिया,
अच्छा, उनके आगे कौन थे? लक्ष्मी नारायण को राज्य किए कितना समय हुआ है? इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले ही धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। शास्त्रों में ही लाखों वर्ष कह दिया है। अब तुम सुजाग हो गए हो, फिर औरों को भी सुजाग करना है। तुम जानते हो शिव हमारा बाप है, प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा भी हमारे मम्मा बाबा हैं। फिर पूछा जाता है, लक्ष्मी नारायण को सतयुग का वर्षा कहाँ से मिला? 5000 वर्ष हुआ, मिला था, अब नहीं है, अब मिल रहा है। अब हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अब सभी को बाप का संदेश कैसे दे? क्या घर घर में ढिंडोरा पीटें? अच्छा, बोर्ड पर भी तुम लगा सकते हो, क्योंकि तुम हो मास्टर अविनाशी सर्जन। परमपिता परमात्मा है निराकार। अब यह तो कोई नहीं जानते कि शिव बाबा ने किसके शरीर में जन्म लिया। ऐसे भी नहीं कह सकते कि कृष्ण के शरीर में प्रवेश कर जन्म लिया। यह तो तुम नंबरवार जानते हो कि वह हमारा परमपिता भी है और हमारा टीचर भी है। हमको बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। बाबा फिर से कल्प के बाद आकर मिले हैं। समझते हो, पक्का पक्का निश्चय भी है। फिर घर जाते ही नशा उड़ जाता है। घर गृहस्थ में रहते, धंधे धोरी में रहते, कहाँ तक नशा रहता है? यह तो जरूर बाप को लिखना चाहिए, परंतु बच्चे बाप को पूरा समाचार देते नहीं। तुम बच्चे बाप को पूरा जानते हो, तो बाप को भी तुम्हारा पूरा मालूम होना चाहिए। जबकि वह तुम्हारा दादा है, तो उनको तुम्हारी चलन और आमदनी का पूरा पूरा मालूम होना चाहिए। तब तो मत देंगे। तुम कहेंगे शिव बाबा तो अंतर्यामी है, परंतु यह ब्रह्मा कैसे जाने? कोई तो बाबा के आगे आते ही नहीं है, इसलिए समझा जाता है यह सौतेले बच्चे हैं, तो राजाई का वर्षा नहीं पा सकेंगे। अगर श्रीमत पर चलना है तो पूरा समाचार देना है। बच्चे भी बाप का सब कुछ जान लेते हैं, बाप को भी समाचार देना चाहिए। यह है हमारा रूहानी गृहस्थ व्यवहार का संबंध। यह है रूहानी ईश्वरीय परिवार। सुप्रीम रूह से सभी आत्माओं का संबंध है ना? सबसे यह प्रश्न पूछो कि तुम इन लक्ष्मी नारायण को जानते हो, परमपिता परमात्मा को जानते हो, तुम सतयुगी श्रेष्ठाचारी देवी देवताओं को जानते हो। तुम लिख सकते हो कि इन सब बातों को जानने से तुम श्रेष्ठाचारी बन सकते हो, नहीं तो कदाचित नहीं बन सकते। ऐसी ऐसी सर्विस करने से तुम ऊंच पद पा सकते हो। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना यह तुम्हारा धंधा है, तो क्यों नहीं बोर्ड लगाते हो? स्त्री पुरुष दोनों इस सर्विस पर हैं। बाबा डायरेक्शन देते हैं, परंतु बच्चे फिर भूल जाते हैं, अपने ही धंधे में लग जाते हैं। सर्विस जो करनी है वह करते ही नहीं है, न पूरा समाचार देते हैं, न बोर्ड लगाते हैं। बोर्ड नहीं लगाया, सर्विस नहीं की, तो समझेंगे देह अभिमान बहुत है। मुरली तो सब सुनते हैं, बाबा क्या कहते हैं, अनेक मत मिलती है। प्रदर्शनी के लिए बाबा कहते, बच्चे गर्मी है तो पहाड़ी पर जाकर प्रबंध करो। अब देखें कहाँ से समाचार आता है कि बाबा हम यह प्रबंध कर सकते हैं। जानकारी है तो जाकर हॉल व धर्मशाला लेकर प्रबंध रचना है, तो बहुतों को संदेश मिले। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ हो, ज्ञान सागर पतित पावन निराकार परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है? फिर जगत अम्बा और जगत पिता से तुम्हारा क्या संबंध है? वह क्या देंगे? जरूर जगत का मालिक बनाएंगे।
बरोबर तुम अब बन रहे हो, कल्प पहले भी बने थे। तुम यह बोर्ड लिख दो तो फिर और सब प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण को यह विश्व के मालिक पने का वर्षा कैसे मिला, पूछने वाला तो जरूर जानता होगा। अगर इतनी सर्विस नहीं करेंगे तो गद्दी पर कैसे बैठेंगे। यह राजयोग है नर से नारायण बनने का, प्रजा बनने का नहीं। क्या तुम यहाँ प्रजा बनने आए हो? बाबा के पास समाचार आए तो बाबा समझे कि यह सर्विस कर रहे हैं। न घर का न सर्विस का समाचार देंगे तो कैसे समझेंगे कि यह विजयमाला में आएंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनशंती। तुम जानते हो अभी हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उस राजधानी में ऊंच पद पाने का तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, परंतु कोई भी तकदीर में नहीं है तो टीचर क्या कर सकता है। तुमने ही ऐसे खोटे कर्म किए हैं जो तुम्हें भोगना पड़ता है। मम्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो कितना अच्छा अटेंशन से मम्मा ने ऊंच पद प्राप्त किया। तुम बच्चों को हर हालात में खूब पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा ने राय दी है बोर्ड बनाए लगाना चाहिए और छोटे छोटे पर्चे बनाकर बांटने चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को जानने से तुम यह श्रेष्ठाचारी देवता बन जाएंगे। शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। तुम मीठे मीठे बच्चों को बहुत सर्विस करनी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमाल कर दिखानी है। कब छोड़ने का ख्याल नहीं करना है। तुम जानते हो बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा सिखला रहे हैं। शिव बाबा भारत में आया है तो क्या निराकार आया, कैसे आया, क्या किया, कोई को पता ही नहीं है। शिवरात्रि मनाते हैं जरा भी पता नहीं है। परमात्मा आते ही है पावन बनाने। बाबा कहते हैं कोई भी बात में मूंझते हो तो पूछो कि बाबा हमको यह बात समझ में नहीं आती है। 84 जन्मों का राज भी समझाया है, वर्णों में भी आना है। तुम यह धारणा करते हो बरोबर हमने ऐसे 84 जन्म लिए हैं। अब फिर हम सूर्यवंशी बनते हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतना ऊंच पद पाएगा, कितनी सहज बात है। फिर भी बुद्धि में बैठता नहीं है तो आकर पूछो बाबा हम इस समझाने में मूंझते हैं। पहले पहले अल्फ का परिचय देना है, यह बोर्ड सब लगा दे। इस नॉलेज से तुम सदा सुखी श्रेष्ठाचारी बन जाते हो तो यह अच्छा है ना। टेम्पटेशन होगा, क्यों न ऐसी बात जाकर समझे। बाबा सर्विस से समझ जाएंगे कि कौन कौन सच्चा बच्चा है। जो अटेंशन देते हैं वही माला का दाना बनेंगे। करके दिखाना है। तुम तो प्रैक्टिकल सम्मुख बैठ सुन रहे हो, बाकी बच्चे मुरली द्वारा सुनेंगे। यह सब समझने की बातें हैं। परमात्मा बाप भी है, फिर पतित से पावन बनाकर ले जाते हैं तो गुरु हो गया। सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज शिक्षक बन पढ़ाते हैं तो तीनों हो गए ना। परंतु बहुत बच्चे भूल जाते हैं, बुद्धि से वह नशा निकल जाता है। नहीं तो स्थाई खुशी रहनी चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की सिखिलते रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है विजय माला का दाना बनने के लिए अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है। श्रेष्ठाचारी बनने और बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट है
कोई भी ऐसा खोटा कर्म नहीं करना है जिसकी भोगना भोगनी पड़े। बाप की राय पर कदम कदम चलना है। आज का वरदान है अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। अपनी आकर्षणमय स्थिति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले रूहानी सेवाधारी भव। विश्लेषण है, रूहानी सेवाधारी कभी यह नहीं सोच सकते कि सेवा में वृद्धि नहीं होती या सुनने वाले नहीं मिलते। सुनने वाले बहुत हैं, सिर्फ आप अपनी स्थिति रूहानी आकर्षणमय बनाओ। जब चुंबक अपनी तरफ खींच सकता है तो क्या आपकी रूहानी शक्ति आत्माओं को नहीं खींच सकती? तो रूहानी आकर्षण करने वाले चुंबक बनो जिससे आत्माएं स्वतः आकर्षित होकर आपके सामने आ जाए। यही आप रूहानी सेवाधारी बच्चों की सेवा है। आज का स्लोगन है, समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। समाधान स्वरूप बनना है तो सबको स्नेह और सम्मान देते चलो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य, परमात्मा एक है, बाकी सर्व मनुष्य आत्माएं हैं। अब यह तो सारी दुनिया जानती है कि परमात्मा एक है, वो सर्वशक्तिवान है, जानी जाननहार है। ऐसे तो सारी दुनिया खुद भी कहती है, हम परमात्मा की संतान हैं, परमात्मा एक है। भल कोई धर्म वाला हो वो भी परमात्मा को ही मानते हैं, वो भी अपने को परमात्मा द्वारा भेजा हुआ संदेशवाहक समझते हैं। ऐसे ही संदेश लेकर अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। जैसे गुरु नानक ने भी परमात्मा की इतनी बड़ाई की, एक ओंकार सतनाम, एक ओंकार का अर्थ है परमात्मा एक है, सतनाम अर्थात उसका नाम सत्य है, तो गोया परमात्मा नाम रूप वाला भी है, अविनाशी है, अकाल मूर्त भी है, तो फिर कर्ता पुरुष भी है। माना वो खुद अकर्ता होते हुए भी कैसे ब्रह्मा तन द्वारा कर्ता पुरुष बनता है। अब यह सारी महिमा एक परमात्मा की है। अब मनुष्य इतना समझते हुए फिर भी कहते हैं ईश्वर सर्वत्र है, अहम आत्मा सो परमात्मा है। अगर सभी परमात्मा ठहरे फिर एक ओंकार यह महिमा किस परमात्मा की करते हैं? इससे सिद्ध है कि परमात्मा एक है। अच्छा, ओम शांति।